मंच पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम मंजुल भारद्वाज जी से उनकी कुछ कविताएं सुनेंगे। जीवन कहीं खो गया है, जीवन कहीं खो गया है। खिल रहा था तेरी रानाइयों में, खिल रहा था तेरी रानाइयों में कल तक, वो आज निजाम की सलीब पर लटका है। जीवन कहीं खो गया है, खिल रहा था तेरी रानाइयों में कल तक, वो आज निजाम की सलीब पर लटका है। तेरी मुस्कान सी कभी खिलती थी कलियां चमन में, तेरी मुस्कान सी कभी खिलती थी कलियां चमन में, वहां आज खिजा का डेरा है। जीवन कहीं खो गया है, जीवन कहीं खो गया है। आरजू मुस्कुराने की ठहराई जाती है जुर्म, आरजू मुस्कुराने की ठहराई जाती है जुर्म, तुम्हें क्या बताएं। हर सांस पर हुकूमत का पहरा है, तुम्हें क्या बताएं, हर सांस पर हुकूमत का पहरा है। जहां आवाज उठी थी कल इंकलाब की, जहां आवाज उठी थी कल इंकलाब की, दीवारें गिरी थी तख्तो ताज की, आज वहां गद्दारों का बसेरा है, गद्दारों का बसेरा है। किस्से कहानियों में कल तक चमन था मेरा सोने की चिड़िया, किस्से कहानियों में कल तक चमन था मेरा सोने की चिड़िया, आज वहां भूख से मरते कंकालों का कोहराम है, कंकालों का कोहराम है। जीवन कहीं खो गया है। कल तक हर लेते थे जीवन की हर पीड़ा, कल तक हर लेते थे जीवन की हर पीड़ा राम, आज कलयुग में मर्यादा में कैद है राम, उन पर रावण का पहरा है, रावण का पहरा है। तमन्ना तमन्ना जीने की गूंजती थी फिजाओं में कल तक, तमन्ना जीने की फिजाओं में गूंजती थी कल तक, आज वहां मरघट का सन्नाटा है, मरघट का सन्नाटा है। गुलजार हो जीवन ना हो खार का बसेरा, इस आस में हमने गर्दन में विद्रोह का फंदा अपने हाथों से पहना, अपने हाथों से पहना। गुलजार हो जीवन ना हो खार का बसेरा, इस आस में हमने गर्दन में विद्रोह का फंदा अपने हाथों से पहना है, अपने हाथों से पहना है। अगली कविता है सत्ता झूठी है। याद कीजिए आप 15 अगस्त को, फुटपाथ पर, सड़क पर आपको छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लिए मिलेंगे। उस बच्चे को याद कीजिए और कविता को तसव्वुर कीजिए। सत्ता झूठी है, ये बच्चा सच्चा है। सत्ता झूठी है, ये बच्चा सच्चा है, पर ये बच्चा भूखा है। इसे उम्मीद है उसके हाथ में तिरंगे बिकेंगे, इसे उम्मीद है उसके हाथ के तिरंगे बिकेंगे और उसे भरपेट खाना मिलेगा, उसे भरपेट खाना मिलेगा। आज तिरंगे की यही कहानी है, आज तिरंगे की यही कहानी है। सत्ता की जुबान और शान झूठी है, अमीरों की आजादी है बाकी बर्बाद आबादी है, अमीरों की आजादी है बाकी बर्बाद आबादी है। पाखंडियों के हाथ तिरंगा, पाखंडियों के हाथ तिरंगा एक झूठा फसाना है, पाखंडियों के हाथ तिरंगा एक झूठा फसाना है। हर घर तिरंगा का नारा देने वाला झूठा है, हर घर तिरंगा का नारा देने वाला झूठा है, हर भूखा पेट भरने वाला सच्चा है, हर भूखा पेट भरने वाला सच्चा है। स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी
आजादी की अमर कहानी है, सत्य अहिंसा और न्याय अब भी सूली पर है, झूठ पाखंड और हिंसा अब वसूली पर है, बच्चा सच्चा है, सत्ता झूठी है, उसकी भूख सच्ची है, सत्ता झूठी है, बच्चा सच्चा है, पर उसकी उम्मीद। तीसरी कविता है, थोड़ा संयम और तानाशाह बहुत डरा हुआ है, तानाशाह बहुत डरा हुआ है, इसलिए और हिंसक हुआ है, तानाशाह बहुत डरा हुआ है, इसलिए और हिंसक हुआ है, तुतलाने हकलाने के साथ रोने की अदा दोहराने लगा है, तुतलाने हकलाने के साथ रोने की अदा दोहराने लगा है, तानाशाह बहुत डरा हुआ है, इसलिए और हिंसक हुआ है, जहां गीता और कुरान एक साथ हैं, चाकू छुरी तलवार की जंग में, हां गीता कुरान एक साथ हैं, चाकू छुरी तलवार की जंग में है, तानाशाह बहुत डरा हुआ है, इसलिए और हिंसक हुआ है, मनुष्य होने के एहसास पर वार, प्रेम सौहार्द भाईचारे पर प्रहार, नफरत हिंसा फ्रेम का सैलाब, अमन अहिंसा प्रेम माकूल जवाब, तानाशाह बहुत डरा हुआ है, इसलिए और हिंसक हुआ है, नफरत हिंसा फ्रेम का सैलाब, अमन अहिंसा प्रेम माकूल जवाब, थोड़ा संयम और। साथियों, आज की चौथी और अंतिम कविता का पाठ, घने कोहरे में पसीजता मन भिगो देता है सारे जंगल को, घने कोहरे में पसीजता मन भिगो देता है सारे जंगल को, मोहब्बत की निशानियां चमकती हैं डाल डाल पत्ती पत्ती ओस की बूंद बनकर, मोहब्बत की निशानियां चमकती हैं डाल डाल पत्ती पत्ती ओस की बूंद बनकर, महबूब के नूर से जगमगाती है कायनात, इंसानियत का पैगाम लिए, खिलता महकता है गुलशन, पर्वतों से गिरते झरनों में प्रेम धुन बजाते हुए। नमस्कार, मेरा नाम मंजुल भारद्वाज है, मैं रंगकर्मी और 32 साल से दर्शकों के सहयोग से रंगकर्म से मनुष्य होने की और कला से मनुष्य कैसे इंसान बनता है उसकी चेतना का अलख जगा रहा। मैंने एक नए रंग सिद्धांत का सूत्रपात किया है जिसका नाम है थिएटर ऑफ रेलेवेंस। ये नाट्य दर्शन पिछले 32 वर्षों से मुंबई से मणिपुर, श्रीनगर से कन्याकुमारी और दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यरत है। नाट्य कार्यशालाओं के रूप में, हमारे नाट्य प्रदर्शनों के रूप में, और इसमें किसी भी धन्ना सेठ का पैसा नहीं लगा है। सरकार से हम मुखालफत में रहते हैं, केवल और केवल दर्शक सहयोग से
हमारा नाट्य सिद्धांत कार्यरत है, एक रंग आंदोलन है और एक असंभव संभव है। हमारे सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, सलाम।